हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लाइव प्रोसेस का फोर्थ लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल के अंदर हम कवर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना है, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस के लिए जो दो रॉ मटेरियल थे CO2 एंड H2O, तो वो कैसे और उसको मिलता है, ये हम बता तो चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, बट इसके अंदर और डिटेल में समझेंगे कि उसको कैसे मिलता है। ये लेक्चर सिर्फ इसी ऊपर बेस्ड है कि उनको CO2 को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोमेटा के जरिए करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कैसे किस लीफ के अंदर स्टोमेटा नीचे भी होता है, किसमें ऊपर भी होता है, और एक्वेटिक प्लांट्स कैसे है CO2 लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो एनवायरमेंट होता ही, यहाँ पर खुला एनवायरमेंट ही नहीं होता, तो सारा तरफ पानी पानी होता है, तो वो कैसे करते हैं। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो कल हमने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो टाइनी पोर्स से करते हैं। टाइनी पोर्स का नाम क्या था? स्टोमेटा। तो हम उन्हीं को डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, हमने लीफ का स्ट्रक्चर लिया, इस लीफ के अंदर हमने छोटा सा पार्ट लिया, इस छोटे से पार्ट को हमने थोड़ा सा जूम किया, थोड़ा सा जूम करके थोड़ा देखा, तो इसके अंदर ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर निकल गया है। तो इसके अंदर पहले तो हम समझाते हैं कि होता क्या है, कौन सी चीज किसको क्या बोलते हैं। ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं गार सेल्स। ये रहे गार सेल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर के बीच में ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं स्टोमेटा, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन स्टोमा। स्टोमा का मतलब जब स्टोमेटा सिंगुलर होता है उस वक्त उसको बोलते हैं स्टोमा। तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर जब होता है उसको बोलते हैं स्टोमा। ये होता है क्लोरोप्लास्ट। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट को भी बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी हम ओनली इसको समझते हैं। ये होता है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हमारे यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे कर्व्ड है, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे स्टोमा ओपन है, यहाँ पे स्टोमा क्लोज है, ये चीज है। और ये हमारा मतलब लीफ का एक छोटा सा पार्ट है। तो पहले समझते हैं गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है। ये जो गार्ड सेल होते हैं यही स्टोमेटा को ओपन करके रखते हैं या फिर क्लोज करके रखते हैं। इन्हीं का मेन फंक्शन होता है टू मेंटेन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। कैसे करते हैं? जब ये प्लांट के अंदर वाटर होता है, तो वाटर जब ये गार्ड सेल्स के अंदर, इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो होता है, जब इनके अंदर अच्छे से वाटर की क्वांटिटी होगी, वाटर की सप्लाई होगी, तो ये स्वेल अप हो जाते हैं, मतलब ये थोड़े से फूल जाते हैं, और जब ये फूल जाए तो ये कर्व हो जाते हैं। और जैसे ये कर्व हो जाएंगे, जैसे ये इतने ये थोड़े से मुड़ जाएंगे, तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। पहला काम तो ये इनका मतलब ये इनका मेन फंक्शन होता है। ये ओपन कैसे होता है? जब इसके अंदर वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई रहती है, जब सप्लाई रहती है तो ये थोड़े से स्वेल अप होते हैं, उसके बाद ये कर्व स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये कंटिन्यूसली जब ओपन रहते हैं तो इसमें से धीरे धीरे अपने ये वाटर को भी लूज करते रहते हैं। तो जब इसमें से वाटर लूज होता रहता है धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा आता है जब इसके अंदर से वाटर मतलब थोड़ा सा ज्यादा लूज हो जाता है। जब लूज हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं, और श्रिंक होकर मतलब ये स्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे। जब ये स्ट्रेट हो जाएगी, अभी यहाँ से क्लो कर्व है तो ये ओपन स्टोमेटा है, स्टोमेटा की क्लोजिंग खुली हुई है, स्टोमेटा यहाँ पे खुला हुआ है। जैसे ये स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ से, तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा जो था क्लोज हो गया। अब यहाँ से ना ही CO2 आएगी ना ही O2 जाएगी। अब होता क्या है, कभी कभी जो गार्ड सेल होता है उसको CO2, स्टोमेटा को CO2 जितनी चाहिए होती है उतनी पर्याप्त मात्रा के अंदर उसको मिल चुकी होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो अपने वाटर को बचाने के लिए, कोई प्लांट को वाटर तो चाहिए चाहिए, अगर वो ये स्टोमेटा हमारा ओपन रहेगा हमेशा, तो इसमें से वाटर कंटिन्यूसली लूज होता रहेगा, तो अपने उस वाटर को बचाने के लिए क्या करता है गार्ड सेल, ये श्रिंक हो जाता है, ऑलरेडी पहले से ही श्रिंक हो जाता है, जिससे कि अपना वाटर बचा सके और स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ये हमारा गार्ड सेल का फंक्शन हो गया। यहाँ पे गार्ड सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे मैंने बताया था एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है। बाय प्रोडक्ट मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो हम कुछ और बना रहे थे। हमने फोटोसिंथेसिस, हमारा मेन एम क्या होता है, अपना फूड बनाना। फूड क्या होता है? ग्लूकोज। हमारा मेन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाते वक्त साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और बन गया, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग बाय प्रोडक्ट। तो जो बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर बनता है, कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। तो जब क्लोरोप्लास्ट में बन जाता है ऑक्सीजन, तो वो निकलता कहाँ से है? बाहर एनवायरनमेंट में आता भी तो है, हम लोग भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो यहीं से स्टोमेटा से आता है। तो स्टोमेटा ही क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब होता क्या है, बहुत से प्लांट्स देखे होंगे, किसी प्लांट्स की लीफ बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है, किसी की छोटी छोटी होती है। तो जिस प्लांट की लीफ ब्रॉड लीव्स होंगी, ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट होंगे,
उनके सिर्फ लोअर साइड के अंदर ही स्टोमेटा अवेलेबल होता है। जैसे कि मतलब ये लीव है, अगर ये ब्रॉड है तो इसके नीचे वाली साइड के अंदर, जो नीचे वाली साइड होगी, नीचे वाली उस साइड के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा अवेलेबल रहता है। ऊपर वाली साइड के अंदर बहुत कम रहते हैं। बट जो नॉर्मल साइज की लीव होती है, नैरो लीव होती है, पतली, उसके अंदर ऊपर भी और नीचे भी बराबर क्वांटिटी के अंदर स्टोमेटा अवेलेबल रहते हैं। ये चीज आ गई समझ में। अब क्या होता है, कभी कभी देखा होगा आपने, जो प्लांट होते हैं उसकी स्टेम भी ग्रीन होती है। जो स्टेम होती है ना, जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर ये जो स्टेम वाला एरिया होता है, जो लकड़ी वाला एरिया होता है, वो किसी किसी प्लांट में ग्रीन होता है, कहीं कहीं थोड़ा डार्क ब्राउन होता है, बट किसी किसी के अंदर ग्रीन होता है। ये जहाँ पे लीव अटैच रहती है वो वाला पार्ट ग्रीन रहता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ओनली लीव में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, जो स्टेम होती है वहां पर भी वहां पर भी ये स्टोमेटा अवेलेबल रहता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, स्टोमेटा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे लीफ के अंदर ही अवेलेबल हो, स्टोमेटा हमारी स्टेम्स के अंदर भी अवेलेबल होता है। कौन किस स्टेम में, ग्रीन स्टेम के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है एक्वेटिक प्लांट्स की। जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो मतलब पानी के अंदर वाले प्लांट्स होते हैं, उनको CO2 कहाँ से मिलती है, क्योंकि वहां पर तो खुला एनवायरनमेंट है ही नहीं और CO2 हमारे खुले एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है, तो वो कैसे वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, वाटर के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर हमारी CO2 पहले से ही डिजॉल्व होती है। जो वाटर वहां पे होता है सरफेस पे, उसके अंदर डिजॉल्व CO2 होती है, तो वो डिजॉल्व CO2 पूरे नीचे तक पहुंचती है। नीचे जो प्लांट होते हैं वो उस वाटर में से CO2 अपने लिए जितना उनको चाहिए होगा उतना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने लिए यूज कर लेते हैं अपने फूड बनाने के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा, ये क्या था CO2 के लिए। CO2 अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक अब तक। तो अब आ जाती है वाटर की। तो वाटर कैसे प्लांट तक पहुंचता है, तो वाटर के लिए कल हमने बताया था जो रूट्स होती हैं, रूट्स के जरिए वाटर ऊपर तक पहुंचता है, जाइलम टिश्यू, जाइलम जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक। तो जरा अच्छे से समझते हैं उसके अंदर उसके बारे में। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, ये प्लांट की हमारी रूट्स हैं कुछ, तो यहाँ पे जो सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल होगा, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होंगी, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ये रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद ये ऊपर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किससे होती हैं, जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू और होता है PHLOEM। इसका क्या वर्क होता है, इसका वर्क जो होता है, जो हमने फूड बनाया तो ये जो होता है पूरे फूड को, जितना फूड बॉडी को जरूरत है, जितने प्लांट बॉडी को फूड जरूरत होगी उतने फूड को ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड बॉडी के अंदर। तो फ्लोएम का वर्क क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट बॉडी, ये वर्क होता है हमारे फ्लोएम का। और जाइलम का क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर, टू ट्रांस वाटर इन प्लांट बॉडी, ये होता है हमारा जाइलम कवर। अब मेन चीज आती है कि यहाँ पे वाटर है, ये वाटर इसमें एब्जॉर्ब किस प्रोसेस के जरिए होता है। ये जो वाटर यहाँ पे अवेलेबल है सॉइल के अंदर, ये रूट के अंदर गया तो सही, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस भी होता है, एक डिफ्यूजन होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। ये जो वाटर इसमें था, यहाँ से ये रूट के अंदर डिफ्यूज हुआ, जिस प्रोसेस के जरिए डिफ्यूज हुआ उस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। ये एमसीक्यू में आ सकता है एक मार्क्स के अंदर कि किस प्रोसेस के जरिए वाटर हमारा डिफ्यूज होता है रूट्स के अंदर, तो इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। अब ये प्रोसेस होता क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर फ्लो होना, वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो सॉल्यूशन के अंदर हायर क्वांटिटी के, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर, मतलब जिसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। अब क्या होता है यहाँ पर जब देखा जाए तो हायर कंसेंट्रेशन का मतलब होता है जहां पर वो ज्यादा अवेलेबल है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सॉइल में भी ज्यादा अवेलेबल है, और सबसे लो कंसेंट्रेशन कहां पर है, प्लांट के रूट्स के अंदर। तो हाई कंसेंट्रेशन ये हो गई हाई कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे हो गई लो कंसेंट्रेशन। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के अंदर ट्रेवल करते हैं, पास करते हैं। तो हायर कंसेंट्रेशन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स इधर लो कंसेंट्रेशन वाले एरिया के अंदर
पास करते हैं, यही होता है हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट। यहाँ से जैसे यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर यहाँ से जैलम जो होता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को ट्रांसफर करता है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट को काफी डिटेल में अच्छे से एकदम एक बार में समझने वाला समझाएंगे अच्छे से। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अंदर कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी या फिर मेरा कोई मिस्टेक कर दिया तो उस चीज़ को कमेंट कर दीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिंड अप है, उसको देखिए, उसका रिप्लाई कीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहें।